अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी जल्लो मोड़ बाटा दो नंबर गेट लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये गए हैं, ये तकरीबन 20 से 25 दिन से ये बीमार है। ये मुख्तलिफ डॉक्टरों ने इसका इलाज किया और ड्रिपे वगैरह और इसके साथ साथ मेडिसन इंजेक्शन और अपने जो भी उनके तरीक़ेकार के मुताबिक वो अपना इलाज कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये गए कामयाब ना हो सकी। हत्ता के जब ये गए एक साइड पर गर्दन को मोड़ने लगी तो फिर वो हाथ खड़े करके भाग गए। वो कहते ये गाय नहीं ठीक हो सकती, लेकिन जब मैंने जब आकर देखा तो मैंने सबसे पहले इसकी डायग्नोज की। डायग्नोज में हमने सबसे पहले जो नोट किया वो थलेरीएसिस में और ट्रिपनोसोमीसिस का सबसे पहले हमने नोट किया, क्योंकि इतने दिनों से ये बुखार जो है 105 फारेनहाइट से 106 फारेनहाइट, 107 फारेनहाइट तक, पहले सुबह सुबह स्टार्टिंग में 103 से 104 तक होता, फिर बाद में जैसे जैसे हीट वाला मौसम होता है ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो हमने ये नोट किया कि इसको थलेरीएसिस या बेबेजियोसिस का मसला होगा। तो हमने मुकम्मल तौर पर डायग्नोज की तो पता चला कि इसको थलेरीएसिस का मसला है। तो थलेरीएसिस में क्या करते हैं, थलेरीएसिस में सबसे पहले 15 ml तक एट्रोपिन देते हैं, 10 मिनट के बाद हम पारवन के इंजेक्शन दे सकते हैं। मैंने फिलहाल तो पारवन लोकल पाकिस्तानी का ही यूज़ कर रहा हूँ, 20 ml तक दें और साथ में हम एंटीबायोटिक के तौर पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA का इंजेक्शन 20 ml दिया और पेन किलर के तौर पर कीटोजेट का 10 ml का इंजेक्शन दिया और इसके साथ पोटेशियम क्लोराइड की जो जिस्म में कमी हुई है, जिसकी वजह से ये गर्दन के जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये जो अपनी ये गर्दन को टेढ़ा करके रखा हुआ है इसने, जब हम गर्दन को सीधा करने की कोशिश करते हैं तो फौरन ही अपनी गर्दन के साइड पे कर लेती है। तो इसमें KCL यानी कि पोटेशियम क्लोराइड की कमी का भी मसला बना हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इसके लिए हम पोटेशियम क्लोराइड का जो पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है, ये अकबरी मंडी से भी मिल जाता है, पंसारी स्टोर से नहीं मिलता, ये ख़ास जगह से मिलता है। 5 ग्राम हमने आधा लीटर पानी में मिलाकर पिला दिया और साथ में हमने इसको इंजेक्शन भी, KCL के इंजेक्शन जो हैं वो 5 इंजेक्शन NS की तकरीबन बोतल ली हमने 100 ml, उसमें मिलाकर हमने इसको IV दिया और साथ खाने के लिए ये पोटेशियम क्लोराइड की टैबलेट्स भी मिलती है, वो भी देने के लिए मशवरा दिया। साथ जानवर को ठंडी जगह पे, हवादार जगह पे रखने के लिए इसका मशवरा दिया और साथ गर्दन में जो गर्दन का कड़ा बना हुआ है, अकड़न की वजह से, तशन्नज की वजह से जो अपनी गर्दन को सीधा नहीं कर रही है, एक साइड पर अपनी गर्दन को यानी कि इसने रखा हुआ है और जब सीधा करते हैं तो वापस फिर गर्दन जाती है, इसके लिए हमने मालिश के लिए विंटोजिनो आयोडेक्स वगैरह की मालिश करने के लिए मशवरा दिया। साथ हमने एक तेल बनाकर देते हैं, लौंग, दालचीनी, अगर करा बेरबोटी और तेल, मीठा तेल जिसको हम तिलों का तेल कहते हैं, वो 250 ml, इसमें इसको जलाकर रख कर लेते हैं, फिर तेल को तैयार करके हम इसकी गर्दन को मालिश करते हैं और साथ साथ ये प्रोसीजर हम चलाते रहते हैं। 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ये जानवर ठीक हो जाता है। पहली ही खुराक में जानवर अपनी गर्दन को बेहतर कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता ये गाय ठीक होती चलेगी। लेकिन हमने दूर जाकर ये गाय का इनके इलाज किया, हम इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन इसके यानी कि इलाज में रबते में और इंशाल्लाह जैसे जैसे ये गाय बेहतर होती चली जाएगी हम इनसे अपने दोस्तों से रबते में रहेंगे और मशवरा करते रहेंगे।